politicians, men sitting in politicians. There are palaces, bungalows everywhere. They are land. Nobody asks them. They are free to do because they are in India. It's the discrimination came back. जब कोई हिसाब किताब करना है तो हिसाब किताब सबसे लेना चाहिए। तो इस सूरत को हमने देखकर ये देखा कि भई यह बात सिर्फ पावर की बात हो रही है, चाहे पावर कैसे भी आए, किस मीन से आए, और आप खुद देख रहे हैं हमारे हजारों लाखों तालिम याफ्ता नौजवान, उनको कोई एड्रेस ही नहीं। अगर वो बात नहीं होती तो हमारा कश्मीर का नौजवान बीएसएफ में नहीं जाता, पुलिस में जाने से इनकार करता, एसपीओ बनने से इनकार करता। लिहाजा जब इसको जा भी नहीं वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लाइवलीहुड इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। सो सिर्फ एक फ्लरिश हुआ है, कई सालों से हमने देखा है, कई सदियों से हम देख रहा है, जो बड़ी खतरनाक एंड द रूट काज ऑफ एवरी इवेंट डायनास्टिक जम्मू एंड कश्मीर। डायनास्टिक रूल ने ऐसे तबाही की और वो सारे सोफिकेशन फील कर रहे हैं जो वहां बैठे, जो कोई सोच वो समझ, क्योंकि उन्होंने ये सेंटिमेंट इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने किसी ने ऑटोनॉमी की बात की, किसी ने सेल्फ रूल की बात की, पावर हासिल करने के लिए, लेकिन कमिटमेंट्स के लिए पूरे नहीं हुए। और हमें लोगों को इस बात से भी आगाह करना है, दे लेट दिस डायनास्टिक रूल गो फॉर एवर, दैट मेन कल्प्रिट्स, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सेंटिमेंट ऑफ पीपल, दे हैव रूइंड द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी विल नॉट नाउ बी साइलेंट। वी विल नॉट पावर, वी हैव टेल द पीपल द ट्रूथ, एंड वी जम्मू कश्मीर लद्दाख, वी आर यूनाइटेडली वी फाइट।